नमस्कार मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं सी हिंदी न्यूज़ मौसम की जानकारी उत्तर भारत में बर्फबारी दक्षिण राज्यों में बारिश जानिए दिल्ली और हरियाणा के मौसम का ताजा हाल दिसंबर की शुरुआत से ही उत्तर भारत में ठंड बढ़ती जा रही है दूसरी ओर दक्षिण के राज्यों में बारिश और चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है मौसम विभाग का कहना है की चक्रवाती तूफान तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट ऐसी टकरा सकता है जिसके चलते दक्षिण भारत के कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया गया है वही आठ दिसम्बर ऐसी यानी आज से चक्रवात अपना रौद्र रूप ले सकता है चक्रवाती तूफान के आने वाले दिनों में दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी की ओर पहुँचने का अनुमान है दक्षिण में बन रहे चक्रवाती तूफान के प्रभाव से आठ यानी आज से दस दिसंबर उत्तर तमिलनाडु दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश कराईकल पांडिचेरी रायलसीमा और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश के आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है आने वाले एक हफ्ते में दक्षिण के राज्यों में बारिश का मौसम बना रहेगा दक्षिणी राज्यों में बारिश के बीच उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है मौसम विभाग की माने तो अगले दो दिन दिल्ली में न्यूनतम तापमान ग्यारह डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान पच्चीस डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा वहीं आज से आंशिक बादल तथा तो हवाओं में भी बदलाव संभावित है पानीपत रेलवे स्टेशन पर शुरू होगी यह सुविधा यात्रियों को मिलेगा लाभ पानीपत रेलवे स्टेशन पर दो शौचालित सीढ़ियां बनाई जाएंगी स्टेशन पर काफी समय से शौचालित सीढ़ी बनाने की मांग चल रही है स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर अप डाउन व मॉडल टाउन के रास्ते चढ़ने की शौचालित सीढ़ी बनाई जाएगी अब केवल फाइनल सर्वे होना बाकी है इसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा अभी तक स्टेशन पर शौचालित सीढ़ी एक भी नहीं है लिफ्ट से काम चलाया जा रहा है जब एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आने की सूचना मिलती है तो यात्री कई बार दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए जान को जॉकिंग में डालकर क्रॉस लाइन पार कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं इससे कई बार लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं संवचालित सीढ़ी लगने से बुजुर्ग व दिव्यांगों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है नए हरियाणा प्रभारी ने कांग्रेसी नेताओं को दिया एकजुटता का संदेश बोले पार्टी में बर्दाश्त नहीं होगी अनुशासनहीनता राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हरियाणा कांग्रेस ने कमर कस ली है यात्रा की तैयारियों को चंडीगढ़ में पार्टी नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई बैठक में पार्टी नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल भी पहुँचे नए प्रभारी ने सभी को एकजुटता का संदेश दिया और कहा की आने वाले समय के लिए हम सभी को एकजुट होकर काम करना होगा बैठक में मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रत्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान भान राज्य सभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा सभी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्षों पार्टी विधायकों वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने गोयल का स्वागत किया हरियाणा में फैमिली आईडी की जाएगी अपडेट ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगाए जाएंगे विशेष कैंप यह है तारीख निर्धारित हरियाणा में जिन परिवारों के परिवार पहचान पत्र बन चुके हैं उनमें अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि यानी गलती है तो वे इसे 18 दिसंबर तक ठीक करवा सकते हैं इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत भवन व सरकारी स्कूलों तथा शहरी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर एम कार्यालय आरोप विशेष शिविर लगाए जाएंगे जिन लोगों के परिवार पहचान पत्र में सही जानकारी दुरुस्त है वो भी अपनी सहमति दर्ज करवाए हरियाणा में परिवार पहचान पत्र के शुद्धिकरण का कार्य किया जा रहा है इस कार्य को पूरा करने के 10, 11, 16, 17 व 18 दिसंबर को ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में विशेष शिविर लगाए जाएंगे परिवार पहचान पत्र में शुद्धिकरण करवाने के लिए केवल घर का मुखिया आए तथा अपने साथ वोटर आई कार्ड बैंक की डिटेल तथा आधार कार्ड साथ लेकर आए इसके अलावा परिवार के अन्य सदस्यों के केवल आधार कार्ड लेकर शुद्धिकरण करवा सकते हैं परिवार पहचान पत्र बनने ऐसी सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ संबंधित व्यक्तियों को मिलना सुनिश्चित होगा यह बहुत ही योजना है फैमिली आईडी से पेंशन आदि विभिन्न योजनाओं का संबंधित व्यक्तियों को मिलेगा हरियाणा विधानसभा जॉब्स अपडेट युवाओं के लिए अच्छी खबर डाटा एंट्री ऑपरेटर और ड्राइवर के पदों पर निकली भर्ती हरियाणा विधानसभा सचिवालय चंडीगढ़ द्वारा विभिन्न पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं आपको बता दें कि ये पद विशुद्ध रूप ऐसी स्थायी आधार आरोप भरे जाएंगे इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन डाक के माध्यम ऐसी भेज सकते हैं आवेदन करने की अंतिम तिथि उन्नीस दिसम्बर दो हजार तय की गयी है वाच एंड वार्ड असिस्टेंट के पदों के लिए दसवीं पास होने चाहिए वही ड्राइवर के पदों की बात करें तो आवेदक दसवीं पास होने चाहिए साथ ही उन्हें तीन साल कार्य अनुभव तथा तो उनके पास हल्का अथवा भारी वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए वही डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो आवेदक प्रथम श्रेणी ऐसी दसवीं पास या बारहवीं द्वितीय श्रेणी या फिर स्नातक पास होने चाहिए तथा तो उनके पास कंप्यूटर डिप्लोमा व हिंदी व अंग्रेजी में टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए न्यूनतम आयु अठारह वर्ष और अधिकतम आयु बयालीस वर्ष निर्धारित की गई है उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें काम कर गई राव इंद्रजीत के फटकार दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे के मरम्मत शुरू खर्च होंगे साढ़े चार सौ करोड़ रुपए बदहाली के चलते दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे नंबर 48 पर वाहन चालकों के लिए सफर अब जल्द ही सुगम हो जाएगा केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की कड़ी फटकार के बाद एनएचआई के अधिकारियों की नींद टूट गयी है एनएच ने गुरुग्राम के खेड़की दौला द्वोला ऐसी राजस्थान के जयसिंहपुरा खेड़ा बॉर्डर तक लगभग साढ़े करोड़ की लागत ऐसी सड़क की मरम्मत कराने का निर्णय लिया है इस पर सबसे पहले सर्विस रोड की सुधार ऐसी शुरुआत कर दी गयी है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी एच एस एस की तरफ से ग्रुप सी के लगभग चवालीस हजार पदों पर भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीई का आयोजन करवाया गया था हरियाणा के विभिन्न जिलों में आयोजित हुई थी ग्यारह लाख चालीस हजार आवेदकों ने इस परीक्षा के लिए पंजीकरण किया था जबकि साढ़े लाख के आस अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे परीक्षा होने के बाद अब सभी अभ्यर्थी परिणाम के इंतजार में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष की तरफ ऐसी कहा गया है की बीस ऐसी तीस दिसम्बर के बीच कभी भी परिणाम जारी हो सकता है पहले जब परीक्षाएं होती थी तो अभ्यर्थियों को एक कैंडिडेट कॉपी दी जाती थी लेकिन अब की बार उम्मीद उम्मीदवारों को कोई भी कैंडिडेट कॉपी नहीं दी गई है मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा एसएससी ने सभी रजिस्टर्ड उम्मीदवारों की ईमेल आईडी पर ओएमआर शीट भेजना आरंभ कर दिया है ओएमआर शीट के जरिए अभ्यर्थी अपना मूल्यांकन कर पाएंगे और यदि उन्हें कोई आपत्ति है तो उसे भी दर्ज करा पाएंगे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के अनुसार सी का परिणाम बीस ऐसी पच्चीस दिसम्बर के बीच जारी होगा रिजल्ट जारी होते ही ग्रुप सी के पदों को विज्ञापित कर दिया जाएगा सी स्कोर के आधार आरोप शीर्ष में आने वाले अभ्यर्थियों में ऐसी चार गुना को स्क्रीनिंग टेस्ट का मौका मिलेगा भूपेंद्र हुड्डा के राजनीतिक सलाहकार रहे वीरेंद्र सिंह को हाईकोर्ट का नोटिस जाट आरक्षण दंगों से जुड़ा है मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की अपील पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक सलाहकार रहे प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह को नोटिस जारी किया है दिसम्बर दो में रोहतक के एडीजी कोर्ट ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने लोगो को भटकाने व देशद्रोह के आरोप ऐसी वीरेंद्र सिंह को बरी कर दिया गया था इस आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट आपराधिक पुनरीक्षण अपील दायर कर निचली कोर्ट का यह आदेश रद्द करने की मांग की है हरियाणा सरकार एक तय समय के बाद अपील दायर करने व देरी के समय के खत्म करने की मांग पर कोर्ट तय करेगा कि क्या याचिका उचित समय पर दायर की गई है और इस पर सुनवाई की जा सकती है सरकार ने अपनी अपील में कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने तथ्य को अनदेखा कर इस मामले में फैसला दिया है हरियाणा कांग्रेस ने बनाई शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति हुड्डा बोले हमारे पास बहुत कुछ हरियाणा की जनता के सामने समस्याओं का अंबार लगा है उनके तमाम मुद्दों को कांग्रेस आने वाले विधानसभा सत्र में उठाएगी पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने इस बात का दावा किया है नेता विपक्ष और पूर्व सीएम हुड्डा की अध्यक्षता में हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के महत्वपूर्ण बैठक हुई बैठक में पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान भी विशेष तौर आरोप मौजूद रहे नेता प्रतिपक्ष ने कहा की पार्टी विधायकों की तरफ ऐसी बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ जारी बीबीएस विद्यार्थियों के आंदोलन प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध डीएपी और यूरिया की किल्लत गन्ने के भाव में बढ़ोतरी प्रदेश में बढ़ते नशे कर्ज बेरोजगारी जल भराव स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली कौशल निगम के जरिए युवाओं के शोषण प्रॉपर्टी आईडी वायु प्रदूषण जाट आरक्षण और किसान आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने और अवैध खनन जैसे मुद्दों आरोप चर्चा की मांग को लेकर स्थगन व ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए जाएंगे खुशखबरी बढ़ाई जाएगी ग्रामीण सड़कों की चौड़ाई नई सड़कें भी बनेंगी एस्टीमेट तैयार हरियाणा के जींद जिले के जुलाना विधानसभा क्षेत्र और जींद के साथ लगते गांव की लगभग 33 किलोमीटर लंबी सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा इसके अलावा कुछ नई सड़कें भी बनाई जाएंगी जिन पर करीब पच्चीस करोड़ सड़सठ लाख रूपये की राशि खर्च होने वाली है लोक निर्माण विभाग ने इसका स्टीमेट तैयार कर मुख्यालय को भेज दिया है और जल्द ही निर्माण कार्य के लिए टेंडर जारी कर दिए जाएंगे जिन सड़कों का गारंटी पीरियड समाप्त हो चुका है उनकी हालत इसमें खस्ता हो चुकी है सबसे पहले जींद रोहतक रोड को गतोली सामलो कला लाभ पड़ाना से होते हुए गोहाना रोड तक जो सड़कें बनी है उसकी स्पेशल रिपेयर करवाई जाएगी इसकी लंबाई की बात करें तो 12 किलोमीटर है इसी तरह जिंद गोहाना रोड पर स्थित सिंधवी खेड़ा गांव से खरक राम जी आसन शिवा होते हुए तलोडा तक 13 किलोमीटर लंबी सड़क की स्पेशल रिपेयर की जाएगी बेटी की शादी पर पिता को मिलेंगे इकहत्तर हजार रूपए जानिए क्या है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना यहाँ करें आवेदन हरियाणा सरकार के महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को विवाह के ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के उपरांत दिया जाएगा इसके लिए लाभ पात्र विवाहिता की शादी का ई दिशा पोर्टल आरोप पंजीकरण होना अत्यंत जरूरी है कैथल के डी डॉक्टर संगीता तेतरवाल ने बताया की आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान जो परिवार मुख्यमंत्री विवाह सुगन योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे अपनी बेटी की शादी के छह महीने पूरे होने ऐसी पहले शादी डॉट ई दिशा डॉट जी ओवी डॉट इन आरोप ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं यह पंजीकरण होने के पश्चात ही विवाहित कन्या के माता पिता को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का अनुदान दिया जाएगा अनुसूचित एवं विमुक्त जाति व ट्रिवास जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको कन्या विवाह शगुन योजना के अंतर्गत इकहत्तर हजार का लाभ दिया जाएगा सभी वर्गो की विधवा तलाकशुदा बेसहारा गरीब महिला एवं अनाथ लड़कियों के विवाह करने के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना चलाई जा रही है जो परिवार बीपीएल सूची में या उनके आय एक लाख अस्सी हजार रूपए ऐसी कम है तो उनको इस योजना के अंतर्गत इक्यावन हजार रूपए का अनुदान दिया जाएगा पीएम किसान योजना अपडेट किसान योजना से एक करोड़ छियासी लाख किसान बाहर लिस्ट में फटाफट चेक करें अपना नाम मोदी सरकार किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को साल में छह हजार रूपए की राशि देती है बीते कुछ समय में सरकार को जानकारी प्राप्त हुई है कि कई अपात्र लोग भी योजना का गलत फायदा उठा रहे हैं योजना के गलत तरीके ऐसी फायदा उठा रहे किसानों के ऊपर अब सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है कृषि मंत्रालय योजना में किसानों के डाटा को क्लीन करने के लिए कई तरह के फिल्टर अपना रही है इसके तहत किसानों के जमीन रिकॉर्ड का आधार ऐसी मिलान डेटा का यू सर्वर ऐसी क्रॉस चेक बैंक खातों की जांच अकाउंट्स के, के प्रामिकता के बाद एन के आधार लिंक्ड पेमेंट किया जा रहा है बीते छह महीनों की बात करें तो लाभार्थी किसानों की संख्या में एक करोड़ छियासी लाख तक कमी आई है ग्यारहवीं किस्त दस करोड़ पैतालीस लाख किसानों के खाते में ट्रांसफर हुई थी जबकि बारहवीं किस्त का पैसा केवल आठ करोड़ अठावन लाख किसानों के खातों में भेजा गया है पीएम किसान योजना की तेरहवीं किस्त जल्द ही जारी होने वाली है योजना की अगली किस्त ऐसी पहले भूलेखों का सत्यापन और ई के करवाना अनिवार्य कर दिया गया है ऐसा नहीं करने वाले किसानों के खाते में दो हजार की राशि नहीं होगी किसान योजना की लिस्ट में अपना नाम है या नहीं इसके लिए आपको ऑनलाइन योजना की लिस्ट देखनी होगी हरियाणा में दूर भेजे गए अध्यापकों का घर के पास होगा तबादला अनुबंध नौकरी पाने वाले और अतिथि अध्यापकों को भी राहत हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्ती में चयनित टीजीटी पीजीटी को घर के पास ही नौकरी मिलेगी अतिथि अध्यापकों का भी ग्रह या फिर पास के जिले में तबादला होगा शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर की शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के साथ बुधवार को बैठक सम्पन्न हुई और इसमें फैसला लिया गया की मंत्री के आदेश के बाद अब ग्रह जिले ऐसी दो सौ ऐसी तीन सौ किलोमीटर दूर भेजे गए अध्यापकों के लिए जल्द ही तबादला प्रक्रिया आरम्भ होने वाली है दो महीने पहले करीब तेरह अतिथि अध्यापकों के तबादले हुए थे जिनमें ऐसी सात सौ को गहे ऐसी दो सौ ऐसी तीन किलोमीटर दूर भेजा गया था ये अतिथि अध्यापक पिछले दो महीने ऐसी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं करनाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी किया गया था अतिथि अध्यापकों का तर्क है कि पॉलिसी के खिलाफ जाकर उनके तबादले किए गए हैं प्रदेश सरकार ऐसे अध्यापकों को राहत देने की तैयारी में जुट गई है खाली पदों का डाटा जुटाया जा रहा है आगामी कुछ दिनों में तबादलों के लिए दोबारा से आवेदन मांगे जाएंगे वहीं कौशल रोजगार निगम के तहत अनुबंध के आधार पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी व स्नातकोत्तर शिक्षक यानी पीजीटी के आठ हजार पदों पर भर्ती चल रही है हरियाणा में अब हर महीने आएगा बिजली का बिल नए साल से लागू होगी नई व्यवस्था हरियाणा में अब बिजली का बिल दो नहीं बल्कि हर महीने आएगा नए साल से व्यवस्था शुरू करने की तैयारी है शुरुआत पंचकुला अंबाला करनाल गुरुग्राम और फरीदाबाद से होगी इन जिलों में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला अधिकारी को निर्देश दे चुके हैं की आगामी साल में हर महीने बिजली बिल भेजना हर हाल में शुरू किया जाए सरचार्ज माफी योजना भी इकतीस दिसंबर तक बढ़ा दी है लंबे समय ऐसी मांग उठते आ रहे हैं की बिल एक माह का भेजा जाए अब सबसे पहले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए योजना शुरू करने की तैयारी है भोक्ताओं को सिक्योरिटी के तौर पर दस प्रतिशत राशि पहले जमा करानी होगी हर महीने के कम यूनिट खर्च होने पर बिल भी कम आएगा। लगातार चौथे दिन टूटा शेयर बाजार सेंसेक्स 215 अंकों की गिरावट के साथ बासठ पर आया रेपो रेट बढ़ने ऐसी रियल्टी स्टॉक्स में गिरावट शेयर बाजार में हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिली है सेंसेक्स 215 अंकों की गिरावट के साथ बासठ के स्तर पर बंद हुआ वहीं निफ्टी की बात करें तो ये बयासी अंकों की गिरावट के साथ अठारह के स्तर आरोप आ गया बाजार में लगातार चौथे दिन एक गिरावट दर्ज की गयी है आर ने रेपो रेट को शून्य दशमलव तीन पाँच बढ़ाकर छह कर दिया है इससे लोन महंगे हो जाएंगे ऐसे में बाजार रियलिटी से जुड़े स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है वहीं सराफा बाजार की बात करें तो बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव तिरपन हजार प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है चांदी की बात करें तो ये चौसठ हजार प्रति किलोग्राम आरोप पहुँच गई है रुपया डॉलर के मुकाबले तीन पैसे कमजोर हुआ है एक डॉलर का रेट बयासी रूपए सैतालीस पैसे पहुँच गया है आज खबरों बस इतना ही देखते रहिए सी हिंदी न्यूज नमस्कार